ईडी का नाम सुनते ही लगता है कि भ्रष्टाचारी अब बचेगा नहीं। अगर लेकिन अगर यह खबर आए कि ईडी का जांच अधिकारी ही घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है तो चौंकना जरूरी है। जहां विपक्षी पार्टी के शासन वाले राज्य की एजेंसी ने केंद्र के अधीन आने वाली ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा है। यूं तो ऐसी तस्वीरें बड़ी चर्चा में आती हैं, जब ईडी की जांच टीम कहीं छापा मारती है, छापेमारे के बाद पकड़ी गई रकम को गर्व से लिखती है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी की कार्रवाई का ये सिग्नेचर स्टाइल। लेकिन जब भ्रष्टाचार के शिकारी ही भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाए तो जरूरी है दस्तक दी जाए। जब करप्शन की जाँच करने वाले ही हरे हरे नोटों की हरियाली में बिक जाए तो दस्तक देना जरूरी है। ये जो हरे हरे नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, 500-500 की इन्हीं नोटों के लिए आरोप है। ईडी के एक अधिकारी ने अपना ईमान, अपना कर्तव्य सब भुला दिया। मुंह छिपाते ये हैं बाबूलाल, ईडी अधिकारी के सहयोगी हैं। और नोट के साथ बक्से के बगल बैठे ये टी शर्ट वाले हैं नवल किशोर मीणा, प्रवर्तन निदेशालय में ईओ यानी जांच अधिकारी के रूप में काम करते आए। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो को खबर मिली कि ईडी के एक अधिकारी जांच के मामले में 17 लाख रुपए की घूस मांग रहे हैं। मामला मणिपुर में चिट फंड से जुड़ा हुआ है। नवल किशोर मीणा ने मामला निपटाने, प्रॉपर्टी अटैच न करने और गिरफ्तार न करने के बदले घूस मांगी। एसीबी ने जाल बिछाया, ईडी के अधिकारी और उसके सहयोगी को 15 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। इस तरह भ्रष्टाचार निवारण जिसको करना था वही भ्रष्टाचारी के तौर पर अब सवालों का सामना करेगा। देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।